लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बंडवार। बिहार सरकार की तरफ से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है, जिसको लेकर लगातार पहल किया जा रहा है। लगातार इसको लेकर बिहार के अलग अलग विभागों में बहाली की जा रही है। एक तरफ जहां बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है, जिसको लेकर आवेदन चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के हाई स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी आवेदन आज से शुरू होने वाला है। हमने इस बात की जानकारी आपको पहले ही दे दी थी कि बिहार के भी हाई स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं अब इसको लेकर आज से यानी कि 17 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। आज से 20 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद आपका चयन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर लिस्ट निकाली जाएगी, जिसके बाद आपको हाई स्कूलों में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। पूरी खबर को लेकर बताएं तो दरअसल बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए राज्य के लगभग सभी विभागों की तरफ से नियुक्तियां निकाली जा रही है। इसी क्रम में अब शिक्षा विभाग ने भी अतिथि शिक्षकों की भर्ती का फैसला लिया है, जिसके लिए आज यानी कि 17 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं राज्य के 9300 उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 20 जुलाई है। अतिथि शिक्षक के पद के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किए जाने के बाद 30 से 31 जुलाई तक चयनित अतिथि शिक्षकों का स्कूलों में योगदान करा दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जो जारी की गई थी, उसके मुताबिक राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र सहित अन्य विषयों के अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसको लेकर कुल 1113 पदों पर बहाली की जाएगी, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य के सभी जिलों के उच्च विद्यालयों में अभी 3144 अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जबकि इनके लिए कुल स्वीकृत पद 4257 है। ऐसे में 1113 अतिथि शिक्षकों के पद अभी रिक्त हैं और इन्हीं रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। जानकारी के अनुसार आवेदन समाप्त होने के बाद 21 जुलाई को मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 24 जुलाई तक मेधा सूची पर आपत्ति लिया जाएगा और 25 जुलाई को इसका निराकरण कर 26 जुलाई को मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर डीईओ ने बताया है कि 29 जुलाई को चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के आधार पर अतिथि शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। यानी कि पूरी प्रक्रिया को लेकर बात करें तो आने वाले 10 दिनों के अंदर ही सारी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी और अगले महीने यानी कि 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त से ही सभी को नियुक्त भी कर दिया जाएगा। तो देखा जाए तो लगातार अलग अलग विभागों में बहाली की प्रक्रिया की जा रही है, लगातार इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। वहीं अब अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी प्रक्रिया तेज हो गई है, तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के तमाम वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।